फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालिकान मसाइल की दलदल में फंस गए। कैप्टो पावर प्लांट के जरिए बिजली बनाने वाले फैक्ट्री मालिकान के लिए नई परेशानी। वफाकी हुकूमत का गैस बहरान पर काबू पाने के लिए कैप्टो पावर प्लांट्स को सुई गैस की फराहमी बंद करने के लिए इकदाम। इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए फैसलाबाद की 110 फैक्ट्रीज कैप्टो पावर प्लांट के जरिए बिजली बना रही हैं। फैसलाबाद हाइपेटाइटिस के मरीजों की तशखीस में सुस्ती बरतने लगी। रिपोर्ट्स के मुंतजिर दर्जनों मरीजों की दुहाइयां, कहा सैंपल भिजवाए, दो माह गुजर गए मगर रिपोर्ट नहीं मिली, इलाज कैसे करवाएं। अस्पतालों की ओपीडी में कायम हाइपेटाइटिस क्लिनिक भी बेहतर सहूलियात देने में नाकाम। स्कूल निजकारी रेगुलराइजेशन और भर्तियों के मामले पर असातिज़ा का एहतजाज, स्कूलों में एंटी डेंगू सरगर्मियों का भी बायकॉट। फैसलाबाद के 593 स्कूलों ने इंसदादे डेंगू की एक भी तस्वीर अपलोड न की। महकमा तालीम ने सिफर एंटी डेंगू सरगर्मियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत और असातिज़ा शहर डेंगू के हवाले करने लगे। चिन्योट में टीचर्स हड़ताल के बायस इंसदादे डेंगू सरगर्मियां ना होने के बराबर। महकमा तालीम ने 20 से ज्यादा स्कूल्स के सरबराहान और असातिज़ा से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत मैं ना मानू वाली रिट पर कायम। चिन्योट में असातिज़ा का एहतजाज बढ़ा तो स्कूलों की निजकारी में मजीद तेजी आ गई। जिला भर में अब तक 86 प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया। आउटसोर्स किए गए 11 स्कूलों में कोई टीचर ही नहीं। महकमा तालीम जंग जंग टपाओ पॉलिसी पर अमल पैरा। कॉलेजेस में तदरीसी अमल आरजी असातिज़ा की सपोर्ट। जिला भर में 25 मजामीन की 127 नशस्तें तैनातियों की मुंतजर। रियाजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी के असातिज़ा मौजूद ही नहीं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विजिटिंग टीचर से काम चलाने लगा। मुस्तहिक खातीन से पैसे बटोरने पर चेयरपर्सन बीआईएसपी सेंटर रुबीना खालिद बरहम। यूनियन काउंसिल डीडीवाला सेंटर में खातीन को जमीन पर बिठाने और बदसलूकी करने पर असिस्टेंट जहीर अब्बास, डायरेक्टर अली रजा, ऑपरेशनल जुबैर अमीन भी सरजनिश। अलफतेह कॉम्प्लेक्स में सहूलियात मजीद बेहतर करने पर जोर दिया। पैसे लेकर कार्ड पकड़ने पर माजिद नामी शहरी को फौरी गिरफ्तार करवाया। हर औरत से 1000 रुपये लिए जाते हैं। खातून का इल्जाम, पैसे ना देने पर बार बार चक्कर लगाते हैं लेकिन रकम नहीं मिलती। हमारी जो ये बेनिफिशरीज हैं, जो खवातीन हैं, इनको जो पैसे हैं वो बगैर कटौती के और जो है बहुत इज्जत एहतराम से दिए जाते हैं। मेरा फील्ड में आने का मकसद भी यही है कि मैं खुद जाके लोगों की जो तकालीफ हैं उसका मैं अंदाज़ा लगा सकूं, क्योंकि दफ्तर में बैठ के आप नहीं बता सकते कि वहाँ आपको सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती है। प्रॉपर्टी बिजनेस में बहरानी कैफियत में जाने का खदशा। एफबीआर का गैर मनकूला जायदादों की कीमतों में 75% इजाफे का फैसला। एफबीआर की मुतय्यन करदा कीमतों पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। फैसलाबाद जड़ावाला रोड के रिहायशियों का सब्र जवाब दे गया। आवासा के खिलाफ जिला कौंसिल चौक में सराफा एहतजाज। सीवरेज का पानी घरों की बुनियादों में दाखिल हो चुका। मुजाहिरीन का 24 घंटे में सीवरेज का पानी ना निकालने पर धरना देने की धमकी। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात कड़ी निगरानी में होंगे। फैसलाबाद के इम्तिहानी मराकज पर आज से इतवार 13 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। इम्तिहानी मराकज के गिर्द गैर मुतलका अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। कस्टम अहलकार पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग में मुलव्वस। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान महरीन नसीम ने तहकीकात शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नुमान अली डोगर को ओएसडी बना दिया गया। कामरान अशरफ असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात। महकमा एसएनजीएटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
डिप्टी कमिश्नर टोबा मोहम्मद नईम सिद्दू की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। न्यू इंडस्ट्रीज आरिफ हुसैन ने कारकर्दगी के बारे में तफसीली ब्रीफ किया। इजलास में बताया गया कि रवा माह में 4097 इंस्पेक्शन की गई, 12 लाख रुपए से जायद जुर्माना, 19 ग्राम फरोशों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के मैनचेस्टर की रोड सेक्टर स्कीमें खटाई में पड़ गई। सड़कों की बहाली के लिए करोड़ों के फंड्स मिले मगर काम ना हो सका। डिस्कोट पेंसरा रोड 34 करोड़ लागत से सड़क की बहाली का काम भी ताखिर से शुरू ना हुई। ढींगा फाटक ताचक नवासी अब्बासपुर सरशमशेर रोड की बहाली पर भी काम का आगाज ना हो सका। टेक सिंह में महकमा सेहत को 2 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात की खेप मौसूल। ओएसआर नमकियात के 67,000 पैकेट, एंटीबायोटिक अद्वियात की 3 लाख से ज्यादा गोलियां इंतजामिया ने वसूल कर ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मनसूबों को अमली जामा पहनाने का मिशन। चेयरमैन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग बाबर अलाउद्दीन फैसलाबाद पहुंचे। कमिश्नर सिल्वर सईद और आरपीओ आबिद खान ने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग की जेर सदारत इजलास वासा बल्दिया पीएचए सरबराहान ने ब्रीफ किया। बाबर अलाउद्दीन ने कहा वजीर आला मरियम नवाज की तवज्जो शहरी सहूलतों पर है। सेनेटर रुबीना खालिद का चैंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा। कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए सनअतकारों का साथ जरूरी है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान नसीम भराड़ा का शुरका से खिताब। कहा एक साल में 12 मिलियन लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। फैसलाबाद मुल्की बरामदाद में एक बड़ा हिस्सा डाल रहा है। बीआईएसपी में रजिस्टर्ड खातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। खातीन को एक साथ में भी 5% डिस्काउंट पर ई बाइक्स मिलेंगी। नायब सदर फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स शाहिद मुमताज के चेयरपर्सन बीआईएसपी रुबीना खालिद को बड़ी ऑफर। कहते हैं फैक्ट्री मुलाजिम खातीन भी सहूलत से फायदा उठा सकती हैं। खवातीन जो है वो जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो मुख्तलिफ अदारों में काम करती हैं जहां उन्हें ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है। वो घर से 2-2 घंटे पहले निकलती हैं, फिर जब फैक्ट्री से छुट्टी होती है, बाज़ फैक्ट्रियों की तो अपनी ट्रांसपोर्ट है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर एक शिफ्ट खत्म हुई, दूसरी खत्म हुई, जो 2 घंटे वहाँ से उनका सारे दिन में जो है ना वो 8 घंटे काम करती हैं और 4 घंटे जो है ना उनका ट्रैवल करती हैं। तो मैंने उनको ये ऑफर किया है कि जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने ई बाइक्स का सिलसिला शुरू किया है तो आप स्पेशली खवातीन के लिए जो है ना वो ई बाइक्स का कोई प्रोग्राम लेके आए, हमारे साथ डाटा शेयर करें। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। सेनेटर रुबीना खालिद का फैसलाबाद गारमेंट सिटी का दौरा। फैक्ट्री में खातीन को हुनरमंद बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। सेनेटर रुबीना खालिद ने गारमेंट सिटी में सहूलियात का जायजा लिया। कंपनी के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी गौर। सेनेटर रुबीना अमजद सिटी सदर राना नईम दस्तगीर खान के डेरे पर पहुंच गईं। खातीन कारकुनों से मुलाकात की। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब नूरुन्निसा, मलिक गवर्नर सदर सकीना चौधरी और जिले सदर और दीगर अहदेदारान की शिरकत। कुफल टूटा खुदा खुदा करके शहरियों को 3 माह से रुके पासपोर्ट मौसूल होने लगे। नॉर्मल पासपोर्ट का टोटल बैकलॉग भी आइंदा 3 हफ्तों में खत्म होने का इम्कान। सिटी 41 बना टोबा टेक सिंह के मरीजों की आवाज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी के लिए 10 स्ट्रेचर और 6 व्हील चेयर फ्राहम कर दी गई। जंग में जहनी और नफसियाती बीमारियों से बचाव बारे हफ्ता आगाही। तिबी माहरीन ने शहरियों को जहनी और नफसियाती बीमारियों से आगाह किया। माहरीन का जहनी और नफसियाती बीमारियों से बचाव के लिए बर वक्त माहिर नफसियात से रुजू करने का मशवरा। फैसलाबाद के बाद चिन्यूट पर डेंगू मच्छर की अफजाइश का खतरा मंडलाने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू आगाही वॉक। डिप्टी कमिश्नर सफियुल्ला गोंदल की खसूसी शिरकत। फैसलाबाद होलसेल क्लॉथ हाउस एसोसिएशन की तकरीब हल्क बरदारी। सरपरस्त आला शेख मोहम्मद यूसुफ मोती और दीगर की तकरीब में शिरकत। आज हर मुल्क में लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लड़कियां मसाइल का शिकार।
चिंडियोट के चक 13 में तालिबान खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स में अंडों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब, पोल्ट्री सेक्टर और माहरीन सेहत हजरात की खसूसी शिरकत, अंडों की अफादियत और गजाई अहमियत पर रोशनी डाली गई।